Hi students, welcome again. Today I am going to tell you which are the very important questions for external final exam of 2022. Core course 1 में कौन कौन से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, अगर आप इन प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त करेंगे. आइए हम लोग देखते हैं. यहां मैंने शॉर्ट नोट्स और लॉन्ग क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं जैसे पैटर्न में पूछा जाता है, राइट? आइए देखते हैं. शॉर्ट नोट्स में जो कि तीनों ग्रुप आपके हैं, पोएट्री, ड्रामा एंड फिक्शन, इसमें जो शॉर्ट नोट्स होते हैं उसमें से तीन क्वेश्चंस को जब लिखना होता है तो उसमें से आपको छह ऑप्शंस मिलते हैं, राइट? सिक्स ऑप्शंस, और जो कि यूनिट 1B, यूनिट 2B और यूनिट 3B से लिया जाता है. मैक्सिमम आपको 150 वर्ड्स में लिखना होता है. तो पोइट्री में जो आपके लिए इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स के लिए जो पोइटिक टर्म्स हैं वो एलिटरेशन, कंसीट, हाइपरबोल, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, सिमिली, ब्लैंक वर्ड्स, हेरोइक कपलेट, ये सब हैं. ड्रामा में कैथारसिस, ड्रामेटिक आयरनी, हमार्शिया, मोनोलॉग, सोलिलॉकी और ट्रेजेडी, कॉमेडी, मिस्ट्री प्ले, मिरेकल प्ले, इंटरल्यूड, कॉमेडी ऑफ मैनर्स और कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, इनकी तैयारी आप कर लें. फिक्शन में गॉथिक नॉवेल, नॉवेला, पिकारेस्क नॉवेल, स्ट्रीम ऑफ कंसियसनेस टेक्निक, शॉर्ट स्टोरी और क्लाइमेक्स एंड डिनोमेंट, इसकी तैयारी कर लें. अगर आप किसी भी दो यूनिट को पूरी तरह से तैयार कर लेते हैं तो आपके ये शॉर्ट नोट्स का जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा, राइट? अगर आप सब तैयार करते हैं तो कोई चांस नहीं है कि कोई छूटेगा, लेकिन अगर आप किसी दो यूनिट का भी तैयारी कर लेते हैं दैट विल बी इनफ फॉर यू, राइट? नाउ लेट अस सी टू लॉन्ग क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड आउट ऑफ सिक्स अल्टरनेटिव्स. हर यूनिट से दो दो क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे जिसमें से किन्हीं दो लॉन्ग क्वेश्चन को हमें करना होता है जो कि 15-15 मार्क्स के होंगे. ये कहां से होगा? यूनिट 1 का ए ग्रुप से, ठीक है, फिर यूनिट 2 का ए ग्रुप से और यूनिट 3 का ए ग्रुप से. पोइट्री में जो आपको तैयार करना चाहिए वो पहला क्वेश्चन है, डिफाइन पोइट्री एंड डिस्कस इट्स फीचर्स एंड एलिमेंट्स. पोइट्री क्या है इसको डिफाइन कीजिए, इसके फीचर्स क्या होते हैं, इसके एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, इसको लिखना है. और डिस्कस काइंड्स ऑफ पोएट्री विथ एग्जाम्पल्स, जिसमें आपको काइंड्स ऑफ पोएट्री की तैयारी करनी है, लाइक एपिक, बैलाड, लिरिक, सोनेट, ये जितने भी हैं. या आप तैयारी कर सकते हैं व्हाट इज बैलाड, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ बैलाड और डिस्कस एपिक एंड इट्स काइंड्स. तो ये आप पोएट्री में तैयार करेंगे तो एक क्वेश्चन श्योर आपका आ जाएगा. ड्रामा सेक्शन से अगर हम देखते हैं तो पाते हैं जो पहला क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है वो है व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा. ये पूछता ही पूछता है. एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लॉट एंड इट्स कंपोनेंट्स. प्लॉट क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, कौन कौन से प्लॉट्स के कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, कैसे इसकी शुरुआत होती है, कैसे इसमें क्लाइमेक्स होता है, राइट? और What are the kinds of characters? Characters के कौन कौन से प्रकार है, जैसे राउंड कैरेक्टर, फ्लैट कैरेक्टर, इसके बारे में बताना है, इसको एक्सप्लेन करना है. सो दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम ड्रामा सेक्शन, राइट? फॉर फिक्शन आप प्रिपेयर कर सकते हैं What is a short story? शॉर्ट स्टोरी क्या है, डिस्कस द एलिमेंट्स ऑफ अ शॉर्ट स्टोरी. शॉर्ट स्टोरी के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं इसकी तैयारी कर लें. या What is fiction? फिक्शन क्या है, What are the elements of fiction? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर बार पूछा ही जाता है ये सब, तो इसे आप डिटेल में तैयारी कर लें. सो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर योर गुड मार्क्स इन द एग्जाम. सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो. कीप वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक्स अगेन, हैव अ गुड डे, बाय बाय.